सैयदीन साहब यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा? हमारे सैयद ने आए, हमको यहाँ बहुत बरकत मिली, बहुत बरकत मिली। अच्छा, बहुत खुश हुआ? बहुत खुश हुआ। अब उन्होंने क्या प्रेरणा दी आपको धर्म को लेके? ये पढ़ना जी कि गरीबों की मदद करो और हमारे धर्म पे कायम रहो और सबको मतलब सभ्यता से रखो, घर में बच्चों को, इससे सबको अपना आराम रखो, किसी को बुरा भला मत को। आपको मतलब बहुत प्रेरणा मिली? और हम रतलाम से पैदल चल के आए थे। रतलाम से आए हो? पैदल चल जी। यहाँ पे बहुत सारे उनके लोग यहाँ पे रतलाम से पैदल चढ़कर आए हैं। तीन सौ सर, आपका नाम क्या है? इसका मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी यहाँ पे रतलाम से पैदल चढ़कर आ रहे हैं, उनके आंखों में आंसू आ गए हैं अपने धर्म गुरु की जो वॉइस उन्होंने सुनी, बहुत प्रेरणा मिली है उनको। और क्या क्या बोला उन्होंने, तो कैसा महसूस हुआ पहली बार? बस वो आए, वो ये कहा कि आपस में इत्तेफाक रखो और आपस में सब मिल के रहो, मतलब का कोई सवाल नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म सब अपने भाई भाई के साथ, भाई भाई ही होते, किसी से बेर मत रखो। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इंटरव्यू दिया। जैसे अपने बोरा समाज के धर्म गुरु डॉक्टर सैयदीन साहब यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी वॉइस सुनाई, तो अब उस बारे में आपको क्या प्रेरणा दी, क्या कहना चाहते हैं? दो शब्द कहिए। इमाम हुसैन के शहादत बड़ी प्रेरणा दी हमारे को। क्या दी हमारे को? सब बताया मतलब आपके धर्म के बारे में, धर्म के बारे में प्रेरणा दी। और जैसा कि आप सभी को, आप कितने खुश हुए कि वो बहुत खुश हुए, जो धर्म गुरु एक तरह से भगवान ही, भगवान का रूप ही होता है, आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों के बाद आए वो, अभी देखिए हमें लगा कि हमारा बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे उनके चरण पादुका, यहाँ पे चरण कमल उन्होंने यहाँ पे चरण, बहुत अच्छी बात। ये लोग तो जीत गए, थांडला वाले जी, थांडला वाले जीत गए, उनको सबको मुबारकबादी देता हूँ मैं, उन सबको मुबारकबादी देता हूँ मैं। क्योंकि जाब हुआ ऐसा माना जाता है कि जब से उन्होंने पदवी धर्म गुरु की उपाधि उनको मिली है, तब से पहली बार वो यहाँ पे आए। बिल्कुल सही बात है, हम लोग दाऊद वाले तरस कर रहे हैं, दाऊद पधारे हमारे मुल्ला जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम तो ये कहते हैं कि हमारे अली राजपुर के अंदर सैयदना साहब पधारे और हमारे हाँ अली राजपुर को जमीन, अली राजपुर की जमीन को मतलब उससे नवाजे और बरकत ही बरकत हमारे अली राजपुर में पहुँचा दे। यहाँ के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके धर्म गुरु डॉक्टर सैयदीन साहब यहाँ पे पधारे और वो बहुत काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बहुत खुश है, हमारे जो धर्म गुरु आए हैं उसके लिए हम यहाँ बहुत खुश है। हम बाहर से आए फिर भी हम लोग बहुत खुश है, हम सबको दीदार अच्छा हुआ और जो कथा सुनाई वो भी। लोग बाग आस्था के लिए आते हैं, उनके दर्शन के लिए आते हैं, वो दर्शन और आस्था के लिए कभी पैसे बीच में नहीं आते। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, आस्था और जो उनके दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, आज भी बहुत सारे आजू बाजू के गांव से लोग आए, तो वो आस्था का विषय है, उसमें पैसे महत्व की चीज नहीं। नहीं वहाँ पे लाखों लोग आए थे सर, और हर जगह लाखों लोग आते ही है। बिल्कुल, इंदौर है, सूरत है, मुंबई है, अभी यहाँ से झाबुआ का प्रोग्राम भी है, लाखों लोग है, पूरा यहाँ प्रोग्राम है और लाखों लोग आएंगे। सर आप प्रॉपर यही के हो क्या? नहीं हम दोहद से, दोहद से बहुत सारे लोग, दोहद से भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग काफी दूर दूर से भी आए हैं अपने धर्म, मुंबई से है, फिर लोग बाग यहाँ से फॉरेन कंट्री में वो भी आए हैं। आपको क्या प्रेरणा मिली सर डॉक्टर सैयदीन साहब से? सैयदना साहब ने आज तक उनकी जो वास थे हमारे उसमें ऐसा बताया कि क्लीन, स्वच्छता का ख्याल रखें, स्वच्छता का ख्याल। वैसे भी अपना इंडिया में अपना इंदौर काफी परचम है, परचम है, नंबर वन पे अभी है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज सर, आपके धर्म गुरु सैयदीन साहब यहाँ पे आए, आपको क्या प्रेरणा मिली उनसे? प्रेरणा शिक्षा की, गर्व के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति जी, भेदभावना मत रखो एक दूसरे से, और स्वच्छ। क्या प्रेरणा मिली उनसे? बहुत ही अच्छा है, जैसे कि सब जगह जाते हैं, यहाँ पर भी आए, बहुत अच्छा लगा हमको भी और बहुत खुशी है। वैसे भी हम भी सोचते हैं कि हमारे गांव में भी पधारे इंशाल्लाह, और बहुत प्रेरणा तो बहुत मिलती है और मिलती रहती है और आगे भी इंशाल्लाह मिलती ही रहेगी। अभी थोड़े दिन पहले इंदौर में भी डॉक्टर साहब आए थे जी, और वहाँ पे काफी सारी भीड़ वहाँ पे एकत्रित हुई थी, लाखों की जनसंख्या में आई थी, और वहाँ पे भी बहुत सारे उन्होंने जो वॉइस उनकी रहती है, जो आप
के धर्म में रहता है वो सुनाया था, बहुत सारे लोग वहाँ पे भी प्रेरित हुए थे। आपको क्या क्या सीख मिली, आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ? सबसे पहले तो यही है कि जो कहते हैं कि अपने वतन पे रहो और वफादार रहो, वैसे भी हम ऐसे ही है कि हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। हिंदुस्तान बराबरी होते हैं, भाई भाई रहते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं, हमेशा सीख ऐसी ही रहती है, तुम जहाँ भी जाओ अपने वतन से मोहब्बत करते रहो। सर आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में, आपको कैसा महसूस हुआ, आपने उनकी वॉइस सुनी 1.5-2 घंटे की, आपको कैसा? बहुत बढ़िया, अच्छा रहा प्रोग्राम और बहुत शानदार। हमारे गुरु जी ने कहा सबका जिस वतन में रहो उस वतन के वफादार रहो, बस अच्छे रहो, सबसे मिलजुल कर रहो, किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। जी सर आप कहाँ से आए हो? हम सर बर्जर से है, अलीराजपुर जिला, अलीराजपुर। हेलो, हमारा ये जो मौला है, हमारे मौला का जो भी कुछ कहा है वो यानी हर चीज के हिसाब से यानी बराबर कहा है उनने, ने जो भी कुछ कह सकते, हर इंसान के साथ हिल मिल के रहने का, हर इंसान के साथ कुछ भी कहना हो सोच समझ के बात करने की, हर चीज हर एक से हाथ मिलाने का, ने हर एक से यानी दिल जैसा संबंध रखने का, ने हर एक के साथ तुम कुछ भी ऐसा बोलो नहीं कि किसी को दर्द हो या किसी को कुछ भी चोट पहुँचे, ऐसा करो भी मत काम, सबके साथ हाथ मिला के रहो, सबके साथ हिल जुल के काम करो, हर चीज करो। क्या प्रेरणा मिली सर उनसे? बहुत बहुत प्रेरणा मिली हमारे को तो यानी उनसे, यानी ये देश को स्वच्छ रखने का, जो भी कचरा है वो जो भी कुछ है उसकी डस्टबिन में डालने का, कहीं भी इधर उधर कुछ भी थूकने का नहीं या कोई भी ऐसी कोई रॉन्ग चीज़ करने की नहीं, हर चीज़ में पॉजिटिव रहने का, ना पॉजिटिव काम करने का, ये उनका कहना है। सर आप कहाँ से आए हो? मैं गुजरात से हूँ, दाहोद से। गुजरात, काफी दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पे, बहुत सारे आए यहाँ पे उनको सुनने के लिए। यानी क्या कहना चाहते हो सर? बस मैं यू कहना चाहता हूँ कि वो उनके अंदर जो बात है वो बहुत अद्भुत बात है ना, वो जो कहते हैं उनके कहने के मुताबिक हम हर काम करते हैं ना, अभी भी करते हैं ना, करते ही जाएंगे हम उनके कहने के मुताबिक, क्यों जो भी शब्द बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं ना, उसके शब्द यानी हमारी लाइफ के अंदर बहुत बहुत अच्छा लगा। सर आप कहाँ से आए हो? हम यहीं के थानला के ही। अच्छा, थानला का। आपके तो बहुत किस्मत खुल गई है। हमारे को तो कदम बोसी भी हुई, हमारा हाथ धर्म गुरु यहाँ, हमारे को ताकत। सर आपको क्या प्रेरणा मिली? बस फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास मिली, अच्छी क्लास। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ही यहाँ पे लोग बहुत सूखे खानदा के लोग बोल रहे हैं हमारी किस्मत खुल गई है, हमारी किस्मत का ताला है जो खुल गया है, और बहुत ही अच्छा महसूस उनको हुआ है और उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी लोग यहाँ खाने की तैयारी में लग गए हैं, जैसे अंदर जाने के लिए मना है, मैं बाहर से जो लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं उनका मैं आपको इंटरव्यू लेकर आपको बता रहा हूँ। और बाकी सारी यही चीज़ें स्वच्छता को लेकर उन्होंने बहुत सारा कुछ डाले हैं, और कचरे के साथ कोई कचरा ज़्यादा होगा, गंदगी ज़्यादा बढ़ेगी, बीमारियाँ फैलेगी, ऐसी सारी बातें उन्होंने बताया। सर आपको कैसा महसूस हुआ, सैयदीन साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपनी वॉइस बताई, आपको क्या फील हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? सर जन्नत में आ गए हो ऐसा लगता है। सर आप कहाँ से आए हो? हम प्रतापपुर राजस्थान से। उन्होंने सब समाधान से यही कहा है कि सबसे पहले तो आप जहाँ भी रह रहे हो स्वच्छता, जैसे मोदी जी है, हिंदुस्तान में चारों धर्म बराबर ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई माने जाते हैं, और स्वच्छता को लेके भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई। अच्छी बात बताई है, और आप कहीं भी जगह अपना ही समझो, जैसे अपने घर में रह रहे हो उसी तरह अपने गाँव को शहर को। मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और इंदौर लगातार 2 वर्षों से स्वच्छता में नंबर बना रहा है। इस बार जब मौला आशुरा थे इंदौर में, और उन्होंने भी जब स्वच्छता के लिए उनको क्लीन का एक जो अवार्ड दिया था, ग्रीनरी के लिए भी और स्वच्छता के लिए भी, तो बहुत अच्छा हमको, सब धर्म सभी समाज जन को बहुत अच्छा लगा, और इंदौर के जितने भी लोग रहवासी है उनको भी बहुत अच्छा लगा कि मौला ने यहाँ इतना क्लीन, इतनी पब्लिक आने के बावजूद भी इतना क्लीन रहा। और हम आगे भी यही चाहेंगे कि हमारा शहर, हमारा देश
हमारे गांव अच्छी तरह से साफ और स्वच्छ रहे और पर्यावरण भी उनमें बढ़े। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।